नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं आज आप सभी के सामने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है एक्सिको आयुर्वेदा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक्सिको आयुर्वेदा दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसके संस्थापक माननीय श्री पवन सिंगल जी, जिन्होंने आज कोरोना काल के दौर में देश की अर्थव्यवस्था और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी की स्थापना की। इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको बता दूँ, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। एक्सिको आयुर्वेदा को एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज 1997 से अपनी जर्नी स्टार्ट करके 2014 में हेल्थ सेक्टर में एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही, जो पहले एलोपैथी और जो है आयुर्वेदा बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट तैयार करती थी और उसके प्रोडक्ट्स एथिकल मार्केट में सेल करती थी और प्रमोट करती थी। मगर जब अभी कोरोना काल आया तो माननीय सिंगल साहब ने सोचा कि लोगों को घर बैठे रोजगार की आवश्यकता है, घर बैठे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए। तब उन्होंने के दिमाग में विचार आया, क्यों ना हम हेल्थ सेक्टर में काम करें और लोगों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ जाए। इसलिए हमने अपनाया एक्सिको आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म को। एक्सिको आयुर्वेदा में बेसिकली वर्ल्ड में सेकंड कंपनी जो कि डाइट सेलिंग में आई, जो फाइटोसाइंस बेस्ड है। आई एम रिपीटिंग, इट इज फाइटोसाइंस बेस्ड। हमारे से पहले इस देश के अंदर रशियंस काम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी है वो फाइटोसाइंस पे काम करती है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो प्योरली फाइटोसाइंस पे काम कर रही है, दैट इज एक्सिको आयुर्वेदा। अब एक्सिको आयुर्वेदा एक बिजनेस कैसे है उस पे हम बात करते हैं। एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट जितने सारे लोग हमारे आज यूज करें वो फाइटोसाइंस बेस्ड है, और फाइटोसाइंस बेस्ड है इसलिए वो आयुर्वेदा से भी बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से 10 गुना तेजी से काम करते हैं शरीर पे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। आज आप डायबिटीज के लीजिए, आज थायराइड के लीजिए, आज आप आर्थराइटिस या बोन प्रॉब्लम्स में या फिर नॉर्मल वेलनेस में या फिर इवन किडनी प्रॉब्लम्स में या फिर आप कोई भी जो है एलिमेंट पे बात कर लीजिए, उस चीज का समाधान एक्सिको आयुर्वेदा के पास है। अब बेहतरीन उत्पाद है और जब लेने वाले उपभोक्ता बेहतरीन है, इस देश के नागरिक बेहतरीन है, तो क्यों ना इस जो है उत्पादों को बिजनेस के रूप में लाया जाए। देखिए, कोई भी चीज वस्तु जब बनती है और बिकती है, बनती है और यूज में आती है, उपयोग में आती है, तो एक व्यापार होता है। उस व्यापार को जो रूप दिया एक्सिको, वो दिया कि सभी का विकास एक साथ हो। तो चलिए बात करते सभी का विकास कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, दुनिया में अगर हम पैसा और पेशे को वर्गीकृत करें तो एक प्रकार से चार टाइप के लोग सामने आते हैं। कैश क्वाड्रेंट फ्लो ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी, बिजनेस क्वाड्रेंट के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फॉर्मूला दिया था कैश क्वाड्रेंट फ्लो। इसका मतलब है ई फॉर एम्प्लॉइज, जो लोग कर्मचारी हैं, कुछ लोग अपने आप का टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, 9 to 5 का जॉब, ओवर टाइम, पार्ट टाइम, दिस एम्प्लॉइज। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, इसमें जो है प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जो लोगों को सलाह देते हैं या अपने प्रोफेशन से लोग अपने स्किल से लोगों से पैसा कमाते हैं। तीसरा है बिजनेस, बिजनेस बोले तो छोटी दुकान से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज आ गए, जिसमें आपको एक पूंजी की जरूरत होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कुछ मैन पावर की जरूरत होती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज रिस्क, कि मार्केट का रिस्क है तो स्टेबिलिटी नहीं है। अब चौथा जो है वो आते हैं इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं या वक्त लगाते हैं और दूसरों से काम लेते हैं, दूसरे उनको कमा के देते हैं, मींस दे आर स्टोर विद टाइम एंड मनी। अब बात की जाए कि टाइम मनी और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बात करें तो हमें कुछ इतने टाइप के लोग मिलेंगे, टाइम मनी एंड सिक्योरिटी, टीएमएस। कुछ लोग हैं एम्प्लॉइज जिनको कह सकते हैं, इनके पास एक कमाने वाला एक, घर में खाने वाले 4, 5 या 2, तो इसका मतलब खर्चा होते होते पैसे की स्टोरी तो है ही, और टाइम 9 to 5 पार्ट टाइम ओवर टाइम ये करना, तो इसका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की बात करें,
क्या कोई डॉक्टर 2 महीने के लिए अपने हॉस्पिटल बंद करके चला जाएगा तो क्या पैसा आएगा? नहीं। तो इसका मतलब उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ और टाइम, इन लोगों के पास मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है मगर सिक्योरिटी इनके पास नहीं है और टाइम भी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए, एक मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं, प्रोफेशन, मनी एंड टाइम। तो तीसरे जो लोग हैं वो है बिजनेसमैन। कोई कारोबारी क्या अपनी फैक्ट्री को बंद करके 2 महीने के लिए छुट्टी पे जा सकता है क्या? क्या फैक्ट्री प्रोडक्शन 2 महीने के बाद सभी कर्मचारी छुट्टी दे सकते क्या? नहीं। तो इसका मतलब ही इज नॉट फ्री फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रीडम, ये भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। जो था जब फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो इसका उसको टाइम देना पड़ेगा। क्या वो टाइम दे नहीं देगा तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो इसके अंदर टाइम से ये भी फ्री नहीं है। हाँ, पैसा कम ज्यादा भी हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। एक प्रकार से लोगों की राय मान जाए कि नहीं अंबानी से हैं, ये हैं, वो हैं, तो छोटे मोटे तो पैसा थोड़ा ज्यादा हो सकता है मगर टाइम नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स या इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं रेजिडुअल इनकम के लोग, जब रॉयल्टी मिलती है। इन लोगों ने एक बार काम किया बार बार पैसा था, जैसे मोहम्मद रफी ने एक बार गाने गाए और उनके गाने आज भी गाए जा रहे हैं, कैसेट्स बज रही हैं, सीरीज बिक रही हैं या उनके ऑडियोज बिक रहे हैं या वीडियोज बिक रहे हैं, तो इनको पैसा आता है। और दूसरी बात आई टाइम की, तो गाना तो एक ही बार गए तो इसका मतलब टाइम ही टाइम है, वो बिक रहा है मार्केट में तो पैसा आ रहा है। सेम थिंग इज एक्सिको आयुर्वेदा। मैं जो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक आम आदमी को इस कैटेगरी में लाने के लिए एक्सिको आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं। अभी आने वाले 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आप यहां से हैं, यहां पे हैं या यहां पे हैं। इन तीनों कैटेगरी से निकल के आप लोग यहां आ सकते हैं, बशर्ते आगे आपका इस वीडियो को सुनने का, देखने का नजरिया सकारात्मक है। तो इफ यू आर हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन। दोस्तों जब व्यापार की बात आती है तो मैं आपको एक छोटी सी बात आता हूं। अभी तक लोगों के दिमाग में ट्रेडिशनल व्यापार ही आता है और 99% लोग ट्रेडिशनल व्यापार कर रहे हैं। ट्रेडिशनल व्यापार में क्या होता है, सपोज कीजिए एक पेन है, इस पेन का जो एमआरपी है, आप कस्टमर हैं और इसका अगर आप ये पेन लेने गए तो इसका एमआरपी मान लिया जाए 10 रुपए। आप कहां से लाए सर? आप लेके आए रिटेलर से, आपके पड़ोस की या दुकान से, किसी रिटेलर से। ये रिटेलर कहां से लाया? किसी शहर के होलसेलर से। ये होलसेलर कहां से लाया? किसी स्टॉकिस्ट से या सीएनएफ जो बोलते हैं। और ये कहां से लाया? ये लाया मैन्युफैक्चरर से। सर मैं पूछना एक चीज चाहता हूं, क्या 10 रुपए का पेन यहां 10 रुपए से इसको होता? नहीं, इसकी एक्चुअल कीमत जो है मैन्युफैक्चरर के पास शायद 2 रुपए थी, 2 से 3 रुपए कह सकते हैं। मींस दिस 70 to 80% ऑफ द मनी, ये जो डिफरेंस है ये 70 से 80% होता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आते आते, और ये पैसा कुछ लोगों बढ़ जाता है। प्लस इनके साथ एक फैक्टर आता है एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी पे जो कलाकार पत्रकार या व्हाटएवर जो लोग एड दिखाते रहते हैं अपने आप को बार बार आते हैं, उन लोगों को भी कुछ पैसा जाता है। तो इतना सारा पैसा एक मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में जो है वो यहाँ पे कुछ गिने चुने लोगों में बढ़ जाता है। तो गिने चुने लोग ही जो है दुनिया के 5% लोगों की उसमें आ जाते हैं कैटेगरी, या 25% लोग कहते हैं मध्यम अपर मिडिल क्लास और द रिच क्लास, तो 20 से 25% लोगों में ये लोग आ जाते हैं। अब एक्सिको आयुर्वेदा ने क्या किया कि एक्सिको आयुर्वेदा ने यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग किया, ये सर मैन्युफैक्चरिंग है एक्सिको आयुर्वेदा की, बेहतरीन उत्पाद फाइटोसाइंस के वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है जो बनाने में, वो सीधा एक्सिको आयुर्वेदा के स्टॉक पॉइंटों पे लाए हम और वहां से हमने डायरेक्ट कस्टमर को मुहैया कराया। तो ये जो इतना सारा पैसा बचा, ये पैसा यहाँ पे उन लोगों में बांट दिया जो एक्सिको आयुर्वेदा के बारे में बताते हैं या प्रमोट करते हैं या इसके ऑर्गेनाइज कस्टमर है। मैं यहाँ पे मेंबर बनाने की स्कीम या स्कैम बताने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि ऑर्गेनाइज कस्टमर कर दिए जाए, कस्टमर्स को संगठित कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा पैसा हर किसी इंसान को बराबर की मात्रा में मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? मान लिया जाए आप
किसी शोरूम पे जैसे जाते हैं, आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां से कुछ सामान लेके आते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो कितने लोगों को बताते हैं। सोच कीजिए आपके दिल्ली शहर में या किसी भी शहर में कोई सबसे बेहतरीन मिठाई की दुकान कौन सी है। जब मैं यहाँ बैठे लोगों से पूछूं तो मैं प्रमोद जी से पूछ सकता हूँ, प्रमोद जी यहाँ दिल्ली में कौन सी दुकान की मिठाई अच्छी है? अग्रवाल स्वीट्स। वाह क्या नाम है। देखिए आप किसी पूछेंगे अग्रवाल, बहुत सारे अग्रवाल की दुकानें खुली हुई है अलीगढ़, मगर क्या प्रमोद जी कभी अग्रवाल स्वीट से आपको तो पैसा दिया क्या, मिठाई दिए किलो? नहीं। क्या बात है, मतलब कि हम रोजाना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, पिक्चर्स को प्रमोट करते हैं, गानों को प्रमोट करते हैं, मोबाइल्स को प्रमोट करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, रोजमर्रा की जरूरतों से लेके कारों तक, लग्जरी लाइफ तक, हर चीज को प्रमोट करते हैं। पर यार क्या कभी आपके पास पैसा आता है? नहीं। मगर एक्सिको आयुर्वेदा का कहना है कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन फाइटोसाइंस प्रोडक्ट आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो उसका पैसा आएगा आपके घर। अब ये पैसा आपके घर कैसे आ सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण के तौर पे जब हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी अच्छी शोरूम में जाते हैं, जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वहां क्या होता है, वहां का सेल्समैन बैठा हुआ काउंटर पर बोलता है, सर आपका मोबाइल नंबर प्लीज, सर आपका नाम प्लीज, सर आपका डेट ऑफ बर्थ प्लीज, सर आपका ईमेल एड्रेस प्लीज। तो लोग नॉर्मली परचेजिंग के बाद एक मोबाइल नंबर दे देते हैं, वो कहते हैं सर बिल काटना, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑर्गेनाइज द कस्टमर। उसके बाद आपके पास टिक टॉक टिक 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 एसएमएस आने शुरू, आपके पास मेल्स आने शुरू, आप हमारा ये ऑफर लीजिए वो ऑफर लीजिए, मगर वो सब करने से क्या पैसा आता है? नहीं। अब यार मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कस्टमर बनने के लिए क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका और आधार कार्ड देना है, और जिसमें आधार कार्ड इसलिए कि आपका एड्रेस प्रूफ हो सके, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ने वाले हैं जहां से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है, वो देखे आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने का कोई पैसा नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, मींस आप यहाँ पे फ्री बिना फीस के यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कस्टमर में आ सकते हैं। अब जब आप ऑर्गेनिक कस्टमर में आ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी ने अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर दिया और यहाँ पे रजिस्टर हो गए। अब प्रमोद जी ने कुछ हमारे मान लीजिए बेहतरीन प्रोडक्ट खरीदे, तो एक सोचने की बात है, अगर आपने प्रमोद जी यहाँ से अपने हड्डियों के लिए वेलनेस के लिए कोई प्रोडक्ट लिया या अपने बालों को ठीक रखने आपने हमारा प्रोडक्ट केयर से जो और सैंपल लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी और को नहीं बताएंगे? फायदा होगा तो बताएंगे। बताएंगे, वेरी गुड। तो आपके किसी दोस्त का नाम बता सकते हैं आप? शिव। अब प्रमोद जी के दोस्त है शिव, प्रमोद जी ने शैंपू खरीदा और उनको अच्छा लगा और कुछ रोजमर्रा चीजें खरीदी और वो खरीदने के बाद इन्होंने अच्छा लगा तो अपने दोस्त शिव को बताया। अब शिव का कोई दोस्त उसको जानते हैं प्रमोद जी आप? परवीन। क्या बात है, देखो शिव के दोस्त हैं परवीन, उनको भी जो है प्रमोद जी जानते हैं। अब बात यह आती है परवीन का कोई दोस्त है रमेश, परवीन का कोई दोस्त है रमेश जो कि लखनऊ में रहता है। अब बात यह आती है प्रमोद जी आप शिव को जानते हैं परवीन को जानते हैं, क्या परवीन के दोस्तों को आप जानते हैं? लखनऊ में रमेश रहते जाते नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूं, शिव को अच्छा लगा, शिव ने कुछ उत्पाद खरीदे और शिव ने उत्पाद के बारे में परवीन को बताया। परवीन के वहां पे किसी को प्रॉब्लम थी, उनको उसका डायबिटीज थी दोस्तों, और डायबिटीज ठीक हो गई, उन्होंने दोस्त रमेश को टेलीफोन बात कर दिया, अरे यार उसकी वो प्रोडक्ट ले लो, बड़े जानदार प्रोडक्ट है और मस्त प्रोडक्ट है। और रमेश जी अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं परवीन से और वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और वो प्रोडक्ट के घर पहुंचता है तो यूज करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो ये पैसा बचा था इस पे, पहली बात प्रमोद जी को जो है पैसा आता है, कमीशन आता है, शिव को आता है, शिव से फिर परवीन को आता है और परवीन रमेश को आता है। अब बात क्या आती है कि रमेश ने खरीदा, परवीन को आया, परवीन ने के पास से शिव को भी आया और प्रमोद जी का पैसा कहाँ सामान किसे खरीदा? रमेश ने सामान खरीदा तो पैसा आया प्रमोद जी के घर। अब बात ये आती है जो सोचने की है, किसी अनजान शहर में अनजान व्यक्ति आपके द्वारा बताए गए माध्यमों के द्वारा कोई सामान खरीद के, इवन छोटा शैंपू खरीद बालों में लगाएगा दोस्त, तो पैसा आएगा आपके घर। ये पैसा मेरे घर आ रहा है, ये प्रमोद जी के घर, और ये अच्छी बात रहते हैं कई सौ लोगों के घर में ये पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आपके घर भी आ सकता है। अब पैसा कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
आपको एक्सिको से पैसा कमाने में छोटी सी खरीदारी करनी है एक बार, उसमें भी आपकी पसंद है, या तो 750 रुपए से, या फिर 1500 रुपए से, या फिर जो है 2250 रुपए से, 2250 रुपए से, या चौथा जो है 3000 रुपए से। ये खरीदारी का हमने पैकेज बना रखे हैं, जिसका नाम हमने पॉइंट वैल्यू में दिया गया है, पीवी 1 PV, 2 PV, 3 PV, 4 PV। अभी पीवी क्या है, ये पॉइंट वैल्यू है, पैकेज का पॉइंट वैल्यू, इससे आपको मिलने वाले कमीशन तय होता है। अब शुरुआत में आपने मान लिया जाए प्रमोद जी का दूसरे किसी दोस्त को बताया, प्रमोद जी का दूसरा दोस्त का नाम बताएंगे, प्रभाशीष, क्या बात, बहुत बेहतरीन नाम है। आप प्रमोद जी ने इधर शिव को बताया, इधर शिव कुशल को बताया, इधर प्रमोद जी ने प्रभाशीष का। अब प्रमोद जी ने 750 रुपए दे के खरीदारी की थी और उन्होंने अपनी पसंद से एक पैकेज लिया, वो पैकेज आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे इमोनो ड्रॉप जैसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, रोबात काढ़ा है, उसके बाद स्टेफिट टी है, दुनिया की सबसे लार्ज वाट चाहे टैबलेट के रूप में गर्म पानी कीजिए, टैबलेट डालिए, बहुत मस्त आपके पास ग्रीन टी तैयार हो जाती है, ऐसे और सारे उत्पाद हैं, वो चीजें ली, आप इनमें से कोई पैकेज ले सकते हैं। और इन चारों पैकेज में भी ऑप्शन है, 19-20 ऑप्शन है जो अपनी पसंद से आप ले सकते हैं। अब 750 से प्रभास जी ने लिया, मैं आपको बताता हूं अब इनकम के बारे में। यहां बेसिकली दो टाइप से इनकम आती है, एक है बाइनरी इनकम, मैं अभी जो बताना चाह रहा हूं ये बाइनरी इनकम के बारे में बता रहा हूं। दूसरी टाइप की जो इनकम होती है दैट इज जनरेशन प्लान इनकम, जनरेशन प्लान इनकम। जनरेशन प्लान इनकम, अब यार मैं आपको बताऊं 750 रुपए से इन्होंने खरीदा, प्रभाषित शिव ने भी 750 से ज्वाइन किया, परवीन ने 750 ज्वाइन किया, रमेश जी ने भी मान लिया 750 ज्वाइन किया, तो एक पॉइंट वैल्यू और एक पॉइंट वैल्यू, ये तीनों को मिला के हो गया 3 पॉइंट वैल्यू। अब जो है इनको इनकम, प्रमोद जी क्या हुआ, इन्होंने भी एक पॉइंट वैल्यू खरीदा ली, तो इस एक पॉइंट वैल्यू का पेयर बना, 1 पॉइंट वैल्यू is to 1 point value is equal to 75 rupees, ये income प्रमोद जी के घर आ गई, इसको बोलते हैं पेयर इनकम, इसको बोलते हैं पेयर इनकम। ऐसे ही अब बोले साहब यहां तो दो लोग और थे, तो यहां पेयर बने 1 PV 3 PV, जबकि इनकम आपको इतनी मिल रही थी, तो एक पेयर की आपको इनकम मिल गई, तो जो बचे हुए दो पेयर थे 2 PV, ये आपके कैरी फॉरवर्ड हो गए। मतलब ये अभी जैसे ही इनके नीचे कोई आदमी कहीं भी ज्वाइन होगा, तो कहीं भी कोई ज्वाइन होता है, तो वो पेयर इनकम आपको पेयर होके मिलती रहेगी, बाकी पेयर बच जाएंगे। अब आज सब 750 भी हो सकता है 3000 क्यों, देखिए साहब इसका डिफरेंस है, जब आप 750 रुपए की एक पेयर वैल्यू से ज्वाइन होंगे, एक पॉइंट वैल्यू से, तो आपको 600 रुपए पर डे की कैपिंग मिलेगी, मतलब आपको सिर्फ 8 पेयर वैल्यू पर डे की क्लोजिंग पे आपको मिलेगा, ज्यादा हुआ तो नहीं मिल पाएगा। अब 1500 से करते हैं तो 1200 रुपए की कैपिंग पर डे, कैपिंग पर डे, कैपिंग का मतलब लिमिट होती है पर डे, ज्वाइनिंग के हिसाब से, सिर्फ ज्वाइनिंग की बात हो रही, ज्वाइनिंग के हिसाब से आपको पर डे इतना मिलेगा, 2250 में 1800 रुपए पर डे कैपिंग रहेगा आपका, और 3000 में 2400 रुपए पर डे तक की कैपिंग आप ले सकते हैं। तो फायदा किसमें साहब, 3000 में ज्वाइन होने में, क्योंकि ये तो लोग पढ़ रहे हैं ना, एक टाइम आएगा कि पर डे आपके पास 100 200 200 इवन 1000 लोग पर डे ज्वाइन होंगे, तो फिर आपको मैक्सिमम इनकम चाहिए, मैक्सिमम इनकम चाहिए तो कौन सा पैकेज लेना चाहिए, मैक्सिमम वाला। तो ये हमारी बाइनरी इनकम थी, दिस वाज आवर फर्स्ट इनकम दैट इज बाइनरी इनकम। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इनकम की, जिसका जो इस इनकम का नाम है जनरेशन इनकम। अब जनरेशन इनकम कैसे आती है वो मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड टाइप इनकम की बात करते हैं, दैट इज जनरेशन इनकम, दैट इज जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम का मतलब है कि रेजिडुअल इनकम जो बार बार रिपीट होके आए,
लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आपकी पीढ़ी क्या है? आपके नीचे जो जो है ना वो आपकी पीढ़ी है, उसके बाद दूसरा जो है ना वो उसकी पीढ़ी, उसकी जो है ना वो आपकी पीढ़ी, वो जनरेशन प्लान होती है। लोगों से लोग जुड़ते गए, जैसे एग्जाम्पल पे हम लेते हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी ने ज्वाइन किया था 7.5 साल से, मगर अब बात आ रही है। प्रमोद जी ने शिव को बताया, शिव को ज्वाइन कराया, यहाँ प्रभाशीष को ज्वाइन कराया। ऐसे करके आप यहाँ पे कितने भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। मान लिया जाए प्रमोद जी ने कुछ 8 लोगों को ज्वाइन कराया, एक्स वाई जेड ए बी और ये कोई सी, ऐसे 8 लोगों को ज्वाइन करा दे प्रमोद जी। अब यहां से इनकम कितनी मिलेगी उन, मैं आपको 7 इनकम मेन होती है, 7 इनकम के बारे में बताता हूँ। वैसे 8 इनकम आएंगी। पहला है रिटेल प्रॉफिट। जैसे ही आप अपने आईडी पे पैकेज खरीदते हैं रिटेल प्रॉफिट, तो आप जिंदगी भर के लिए आप और उसके बाद आपके नॉमिनीज और उनके नॉमिनीज 10% से 30% तक आपको एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिटेल मार्जिन। वो छूट आपको मिलनी शुरू हो जाती है। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग, राइट? तो आपकी फर्स्ट इनकम ये स्टार्ट हो जाए। आप किसी को नहीं बताते, मगर आप खुद के जरूरत का सामान तो खरीदते हैं, बेहतरीन उत्पाद है तो आप अपना सामान मंगाना चाहेंगे या चाहेंगे? डेफिनेटली। तो उसमें आपको ये छूट जिंदगी भर मिलेगी। इंडिया में आज के स्टेटों में स्टॉक पॉइंट्स हैं, इनकी दुकानें हैं, और आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान को नहीं, हम विश्व में पहुंचने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम 1 साल के अंदर कवर कर लेंगे। आज हम 12 स्टेट में काम कर रहे हैं। तो ये इनकम जो है आप कर ही सकते हैं। जो मान लीजिए 1000 का सामान लिया और 700 में आपको मिला, 300 रुपए बच गए ना सर, तो ऐसे ये एक रिटेल मार्जिन इनकम होगी जो कि छोटा सा अमाउंट होता है। और दूसरा एक होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बोले तो इससे 2 इनकम मिलती। एक आती है सेल परचेज इनकम, दूसरा आती है टीम रिपर्चेज इनकम। अब इसके बारे में बताऊं, सेल परचेज इनकम क्या है? आपको रिटेल मार्जिन तो मिला, मगर आपने जो सामान खरीदा था उसमें भी कंपनी आपको मनी बैक देती है। वो कैसे देती है? उसके लिए कंपनी ने एक स्लैब बना रखा है। स्लैब क्या सब? इन्होंने हर एक उत्पाद पे एक बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट दे दिया, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट, जिसको हम बीवी बोलते हैं। बीवी, मैं बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बीवी। तो बीवी दे दिया। अब मान लिया जाए किसी उत्पाद पे एमआरपी है 100 रुपए, उसका डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीपी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जो आदमी इसमें ऑर्गेनाइज कस्टमर है वो जो जाता है तो उसको जो प्राइस मिले वो जो है डीपी प्राइस। मान लिया जाए डीपी 80 है, तो बीवी जो है वो 40 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट एट द लास्ट पॉइंट एट द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, उसके बीच जो मार्जिन होता है उसको हम बीवी में बांट देते और उस बीवी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते। अब बीवी स्लैब के हिसाब से मान लिया जाए आप 1 से 500 बीवी तक अगर टर्नओवर करते हैं तो आपको 3% तक का मनी बैक मिलता है आपको, जो आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा 501 से 1500 आपका या आपके टीम के लोगों द्वारा किया टर्नओवर, कंपनी मानती है आपके थ्रू, तो आप 6% पे आ जाते हैं। जो जो आपका बड़ा बिजनेस होता जाएगा आप 3 से 24% जो परफॉर्मेंस बोनस है वो 3 से 24% तक है। तो ऐसे ही 1501 से जब 7500 बीवी तक जाता है तो 9% पे है, और 7501 से 30,000 तक आपका जब टर्न हो जाता है तो ये 12% पे है, और 30,001 से 60,000 तक आपका 15% आता है 15%, और 60,000 एक से 90,000 तक जब आपका टर्नओवर जाता है तो 18%, और जब 90,000 एक से 1,20,000 तक आपका टर्नओवर होता है तो आप हो जाते 21% पे, 21% पे, और 1,20,000 एक जैसे ही क्रॉस हुआ आप 24% तक कमीशन के अधिकारी हो जाते हैं। और यहां कंपनी आपको एक
भरी सभा में सम्मानित करने का चिट पेन देती है जिसको बोलते हैं ब्राइट रिपिन, दैट इज ब्राइट रिपिन। ये इस बिजनेस का एक शुरुआती स्टेप है अमीर और कामयाब बनने के लिए, क्योंकि इस लेवल पे आते रहते आपके पास बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आपके लोगों के साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं और एक टीम बन जाती है और आप लीडर के रूप में स्थापित हो जाते हैं इस व्यापार में। हर फील्ड में अपना अपना एक लीडर होता है, एक अनुभवी इंसान होता है, एक एक्सपर्ट होता है। आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको डायरेक्टर पिन से नवाजा जाता है। अब तीसरी इनकम आती है वो है डायरेक्टर बोनस, और ये हर महीने करनी है बॉस। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आप चाहें तो एक महीने क्लियर कर सकते, एक दिन में पूरा कर सकते, आप एक साल ले सकते हैं, दो साल ले, ये आपका एक्युमुलेटर जुड़ता जाएगा। हर महीने आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, आपने जिस दिन खरीदा उस दिन से लेकर जब तक खरीदते जाएंगे, जब तक इस लेवल पे जाते तब तक ये जुड़ता चला जाएगा। दूसरा है ग्रेजुएशन बोनस। जैसे आप ग्रेजुएट बनते हैं तो उसके बाद 14% रुपया कंपनी टर्नओवर के बिजनेस वॉल्यूम का 14% डायरेक्टर्स में बांट दिया जाता है। अब पहले हम इसको समझ लें कि डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, टीम कैसे बनी, कैलकुलेशन कैसे आएगा, उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टर्स बोनस पे। परफॉर्मेंस बोनस तक क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस बोनस स्लैब पे आता है, इसे 24% रुपए बांटा जाता है। उससे पहले इनकम होती 10-30% जो रिटेल इनकम है, तो हमने अभी डिस्कस की दो इनकम, रिटेल प्रॉफिट 10-30%। दूसरा हमें परफॉर्मेंस बोनस पे बात करें जिसका क्लियर हुआ 3-24% सेल्फ और टीम पे जो इनकम आपको आएगी टीम रिपर्चेस पे। आप इससे आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे, चार्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन कैसे आएगी। जनरेशन प्लान में आपको कैसे इनकम आती है वो बताते हैं। मान लिया जाए प्रमोद जी ने अपनी पसंद से कुछ 600 बीवी का सामान खरीदा, 600 बीवी, आपको टीम का कमीशन लेने के लिए हर महीने 600 बीवी की खरीदारी करनी होती है पर्सनल। अब प्रमोद साहब की टीम में मान के चलते हैं, जरूरी नहीं है, मान के चलते हैं एक एज ऑन एवरेज 1200 बीवी का इन के टीम के लोगों के ग्रुप में टोटल टर्नओवर हुआ। ऐसे करके 8 लोगों ने 1200 बीवी का खरीदारी की तो कितनी होगी साहब, 9600 बीवी का टर्नओवर इनकी टीम ने किया। ये क्या इनके ग्रुप ने, इनकी टीम ने, ये ग्रुप बीवी जो है इतनी होगी। अब इन्होंने सेल्फ क्या किया था 600 बीवी। अब देखा जाए तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ, टोटल टर्नओवर इस महीने प्रमोद जी ने ज्वाइन किया था कुछ 8 लोगों खरीदवाया तो हो गया इनका 10,200 बीवी। अब स्लैब के हिसाब से देखें तो इनका यहां पे आता है, मतलब प्रमोद साहब को 12% के अधिकारी हो गए। और ये 12% कैसे मिलेगा, इनको सेल परचेज जो थी इनकी वो थी 600 बीवी का 12% कितना हुआ 72 रुपीज, 72 रुपए। अब इनके ग्रुप जो था, इनके ग्रुप के लोग कहां हैं, अब 1200 बीवी का इस स्लैब पे कितना है 6% पे, ग्रुप बीवी जो है इनका मिला प्रमोद साहब 12% पे हैं, मगर टीम के लोग 6% पे हैं, तो प्रमोद साहब का इनका डिफरेंस है क्योंकि पैसा तो इनको मिलना है तो 6% इनका ले लिया, प्रमोद जी 12% पे हैं तो 12 में से 6 गया तो 6% ग्रुप बीवी का मिला जो कि था 9600 बीवी का। तो ये कितना हो गया साहब 596 रुपए, 596 इनका ग्रुप बीवी से हुआ, ठीक है जी। और इनका पर्सनल बीवी से था 72 रुपीज, टोटल हुआ 668 रुपीज। ये प्रमोद जी की ग्रुप से और सेल्फ प्रोसेस से इनकम आई। तो सोचिए दोस्तों, अगर यही लोग आगे कुछ लोगों को बताते हैं, वो कुछ लोगों को बताते हैं, तो जो है ये कितना बड़ा टर्नओवर होगा, ये कितना बड़ा टर्नओवर होगा, कितनी बड़ी इनकम के पास आएगी। अब बात करते हैं ऐसे जब आदमी खरीदारी करता रहता है, ये कमीशन जब इनके घर आ रहा था, क्या सिव या प्रवासी इसमें चाहे इनको भी आए, डेफिनेटली ये भी चाहेंगे इनको आए। उसके बाद बात आती है
कि जैसा 24% पे आ गए उसके बाद क्या, तो कंपनी कहती है जब 24% आपके पास आया तो आप स्थापित बिजनेसमैन हो जाते हैं और कंपनी आपको लीडर मानती है और डायरेक्टर बना देती है, तो आपको एक बहुत अच्छी इनकम शुरू होती है जहां से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है बड़े लेवल पे। और उसके लिए करना क्या कुछ खास नहीं, आपको अपना 600 PV ही परचेज करना है। अब मान लिया जाए सिर्फ 24% पे है ये डायरेक्टर हो गए, तो प्रमोद जी के यहाँ जो टीम थी शिव की, यहां से क्या मिलेगा, यहां से दोस्तों आपको मिलेगा डायरेक्टर बोनस जो थर्ड इनकम है जनरेशन प्लान की, ये 14% कंपनी टर्नओवर बीवी का मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम का। अब डायरेक्टर्स में कैसे होता है, मान लिया जाए प्रमोद जी के नीचे, प्रमोद जी के नीचे इसको सरलता से समझते हैं, प्रमोद जी के नीचे एक डायरेक्टर बना और प्रमोद जी ने अपने 600 BV पर्सनल परचेज किए, 600 BV पर्सनल परचेज किए। अब यहाँ पे ये डायरेक्टर जो है 24% पे है, तो इनको साइड में क्या करना है, अपना और लोगों का इनकी जो बाकी टीम है उन सब का मिला के 20,500 BV का बिजनेस करना है, 20,500 BV। तो ये हो गए सीनियर डायरेक्टर, पहला रैंक डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद जैसे ही इनके नीचे मान लिया एक डायरेक्टर ब्रेक हुआ तो साहब हो गए सीनियर डायरेक्टर। अब ऐसे ही जो है भैया दूसरा आदमी भी डायरेक्टर बन गया। अगर मान लिया जाए प्रमोद जी के नीचे दो लोग डायरेक्टर बन गए, दो लोग डायरेक्टर बन गए प्रमोद जी के नीचे, तो साइड में सब काम मिलाकर अपनी 600 BV मिला के करना 16,000 BV, तो प्रमोद साहब हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब कहते साहब ये नीचे वाले भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए तो साहब चौथा आदमी भी डायरेक्टर बन जाएगा या तीसरा आदमी यहां डायरेक्टर बन जाएगा, तो तीन आदमी जब डायरेक्टर बनते हैं तो यहाँ पे प्रमोद साहब के नीचे तीन आदमी डायरेक्टर बने, तो प्रमोद जी को खुद का 600 BV ही करना ज्यादा नहीं और साइड में लोगों की मदद करके 12,000 BV का टर्नओवर करना है, तो प्रमोद जी हो जाएंगे सैफायर डायरेक्टर। क्या हो जाएंगे, सैफायर डायरेक्टर। सैफायर डायरेक्टर एक ऐसा रैंक है जहां से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। अब ऐसे ही पांचवा रैंक है, अब इनके नीचे चार लोग डायरेक्टर बन गए साहब, आप क्या करें, दो साइड में सिर्फ प्रमोद जी को 8,000 BV अपनी 600 BV पर्सनल मिला के करना है, तो साहब हो जाते हैं एमरोल्ड, एमरोल्ड डायरेक्टर। और ये लोगों की और मदद करते जाते हैं, ऐसे ही प्रमोद जी के नीचे 6 लोग जब डायरेक्टर हो जाते हैं प्रमोद जी बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर। इनके नीचे 6 लोग अगर डायरेक्टर बन गए तो उस टाइम पे साइड में कोई कमी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रमोद जी को 600 BV करनी है। उसके बाद इससे आगे अब आदमी है ना, आदमी की तो आशाएं बढ़ती रहती हैं, उम्मीदें बढ़ती रहती हैं, क्योंकि जिज्ञासु है, सपन देखता है, प्रोग्रेसिव है, उन्नति परक है, तो उन्हें कुछ और लोगों को बताया उत्तेजित होके उत्साहित होके, तो साहब जो है क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने नीचे 8 लोगों को डायरेक्टर बनाया हुआ होता है। अब कहते सर 8 डायरेक्टर बाद और बन गया, तो जैसे आपके नीचे 10 डायरेक्टर बनते हैं तो आप हो जाते हैं डबल क्राउन, डबल क्राउन डायरेक्टर। जैसे प्रमोद जी के नीचे 10 लोग डायरेक्टर बन गए तो प्रमोद जी क्राउन, उस टाइम पे सिर्फ 600 BV ही परचेज करना है खुद के यूज के लिए। अब प्रमोद जी के नीचे गर्व मान लिया जाए 12 डायरेक्टर हो जाते हैं, प्रमोद जी हो जाते हैं क्राउन एम्बेसडर डायरेक्टर, क्राउन एम्बेसडर डायरेक्टर, क्राउन एम्बेसडर डायरेक्टर, घर के नीचे 12 डायरेक्टर हो जाते हैं। तो अब दोस्तों ये बात थी कैसे कितने डायरेक्टर्स बनेंगे और कैसे परफॉर्मेंस बोनस आएगा और इस पे 14% डायरेक्टर बोनस इन डायरेक्टर्स के रूप में बांट दिया जाता है। अब इससे ही बात करें क्योंकि डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, पर हम बेसिक प्लान पे आते हैं। डायरेक्टर बोनस के द्वारा के अलावा हमारी चौथी इनकम स्टार्ट होती है, उस इनकम का नाम है जब बिजनेस बड़ा होता है तो लोगों का टर्नओवर बड़ा होता है और टर्नओवर बड़ा होता है तो उनको कहा जाता है लीडर्स, लीडर्स के लिए चौथी इनकम है लीडरशिप बोनस। अब लीडरशिप बोनस का क्या है कि मान लिया जाए प्रमोद जी के नीचे एक आदमी डायरेक्टर है और साइड में ये अपनी 20,500 BV का बिजनेस करते हैं, या कोई भी रैंक का डायरेक्टर है जो इनकी डायरेक्टर रैंक है
उसमें अगर 60,000 बीवी का बिजनेस होता है और साइड भी अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, डायरेक्टर बोनस से, तो यहां लीडरशिप बोनस मिलता है जो कि 15% कंपनी टर्नओवर बीवी का, आई रिपीट, कंपनी का टर्नओवर बीवी का जो टर्नओवर है उसमें से कमीशन हमें मिलता है और उसका 15% लीडर्स में बांटा जाता है लीडरशिप बोनस के तौर पर। उसका बांटना तरीका भी यही है, वो भी सीनियर डायरेक्टर से शुरू, जैसे आप नीचे डायरेक्टर बना सीनियर डायरेक्टर से वो इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब इससे आगे और क्या और भी तो चाहिए ना आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, इस यही कंपनी है, अब लीडर बन गया, आपके पास कमाई आ रही है, 50,000 रुपये इनकम मिल रही है, तो गाड़ी आपकी का दिल करता है बाइक से मैं कार पे जाऊं, तो कंपनी उसकी भी व्यवस्था की। कंपनी टर्नओवर का जो 5वीं इनकम है वो है कार फंड बोनस। कंपनी ने अपने सब लीडर्स, उत्साहित लीडर्स, अच्छे प्रोग्रेसिव लीडर्स के लिए कार बोनस की व्यवस्था की। 6% कंपनी टर्नओवर का जो है कार फंड के रूप में लीडर से बांट दिया गया। जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बनते, मतलब आप नीचे एक डायरेक्टर बना और आपने साइड मेंटेन किया, तो आपको 6% कंपनी टर्नओवर का जो है आपके टर्नओवर के हिसाब से कार फंड के रूप में बांट दिया जाता है। यह भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव से मिलता है। दूसरा, हमें अलग क्या है दूसरों से? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां कार फंड के नाम पे कार फंड की बात करती हैं, पर वो क्या करते हैं, भैया आपका पैसा इकट्ठा हो जाए कार फंड लेंगे तो आपको देंगे। मगर इस कंपनी की सबसे बड़ी व्यवस्था है, आपका इस महीने पहले महीने ही आप सीनियर डायरेक्टर बने और आपने जो है अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन किया है, तो आपको कार फंड मिलेगा, चाहे वो 100 रुपए है, चाहे 50 रुपए, चाहे वो 90,000 मैक्सिमम कैपिंग है, 90,000 पर मंथ इसकी कैपिंग है, 90,000 पर मंथ फ्री बना, तो आपको आपके मंथली चेक के साथ 7 तारीख को आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। सीनियर डायरेक्टर अब वो पे ये मिलता है। अब बात करते साहब कार ले ली, इससे आगे क्या? देखो साहब पैसा आ गया, घूमने फिरने पैसा, तो फिर आदमी कहता है कार फटा गया, वो छोड़ दो, कार चलाने घूमने के लिए चाहिए ना, बीवी को लेके बच्चों ने टूर पे जाना है, तो छठी इनकम है टूर फंड। अब टूर फंड की बात दोस्तों को बताऊं, यहां दूसरे व्यापारी उतरे नहीं है, दूसरी कंपनी उतरे नहीं है कि हम टूर पे जाएंगे इंटरनेशनल या कंपनी टूर पे जाके तभी पैसा कमाएं, नहीं सर, आपने पैसा कमाया तो कंपनी आपके पेट्रोल का खर्चा भी देती कार के साथ, 4% कंपनी टर्नओवर बीवी का जो है टूर फंड में बांट दिया गया है। 4% कंपनी टर्नओवर का टूर फंड में बांटा है, दैट इज हाईएस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय राइड शेयरिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट है, और इसका भी जो है कैपिंग 85,000 रुपीज है पर मंथ। मतलब अगर आपका टूर फंड 100 रुपए बना है तो भी आपके अकाउंट 7 तारीख को आ जाएगा मंथली चेक के साथ, अगर आपका टूर फंड 85,000 बना है तो भी आपके अकाउंट 7 तारीख को आ जाएगा। आप गांव में जाइए, आप बहन के घर जाइए, आप मम्मी के पास जाइए, आप नानी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, हमारी तरफ से वो आपका टूर है, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के जाइए तो कंपनी आपको टूर फंड हर महीने देती है। सातवां, जो दूसरे इनकम, ये टूर फंड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद स्टार्ट होता है। जैसे आपके नीचे 2 लाख डायरेक्टर हो जाते, 2 लोगों को आप डायरेक्टर बना देते हैं अलग अलग, तो आपको टूर फंड मिलना शुरू होता है। ऐसे ही अब बात सर टूर भी करके आ गए, कार भी ले लिया है, पैसा भी आ रहा है, लाखों में आ रहा है, आगे क्या? कंपनी ने फिर बात की, अब तो बनना चाहिए भाई, तो आप अपने समझों का घर ले सकते हैं, उसके लिए आपको हाउस फंड के रूप में कंपनी टर्नओवर का 4% कंपनी टर्नओवर का हाउस फंड के रूप में देती है, और इसकी भी मैक्सिमम कैपिंग 85,000 रुपीज पर मंथ है, जो कि आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही मिलना शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोले तो 2 डायरेक्टर लाए हुए आदमी डायरेक्टर बनाना, और साइड में सिर्फ 16,000 बीवी का बिजनेस मेंटेन करने पे आप इस फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप योग्य हो जाते हैं, ना कि दूसरों की तरह कि 6 लाख को डायरेक्टर बनाओ, 3 महीने मेंटेन करो तो हम देंगे, घर खरीदोगे तो देंगे, नहीं भैया आपको 7 तारीख को, जरूरी नहीं है दोस्त कि कोई आदमी पहले दिन ही कार के साथ घर खरीदने की दम रखता हो सकता है वो आदमी किराए पे रहता हो सकता है छोटे मकान में रहता हो, उसको बड़ा मकान चाहिए किराए पे रहने के लिए, हो सकता है छोटा मकान खरीद कर कोई बड़ा मकान खरीदना चाहता है, तो आपको आपका हाउस फंड हर महीने मिलता है।
घर शुरुआत में 5,000 लॉस होना था दोस्तों, जिस जो ईएमआई पर है, जो किराए पर है, वो आदमी अच्छी तरह जानता है उस 5,000 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी जेब पे फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों आपको एक और इनकम के बारे में बताता हूँ जो स्पेशल इनकम है और जो इनकम आपको जरूर करोड़पति बनाती है, वो है आठवीं इनकम। जिस आदमी आठवीं कम इनकम यहाँ से अचीव कर ली, मैं लिख के दे सकता हूँ यारो, आप करोड़पति बनने वाले हैं 2 साल में। वो इनकम है एलाइट ग्रुप इनकम। एलाइट ग्रुप इनकम देखने में ये आपको बहुत छोटी लगेगी, ये 3% कंपनी टर्नओवर का बीबी का दिया जाता है एलाइट ग्रुप इनकम। जैसे नाम से ही है, एलाइट ग्रुप इनकम में क्राउन एंड अबो जो लीडर्स अपने जैसे 8 लोगों को डायरेक्टर बना लेते हैं, क्राउन बन जाते हैं, उसके बाद ये इनकम मिलनी शुरू होती है। क्राउन एंड अबो, क्राउन डबल क्राउन और क्राउन एम्बेसडर के रूप में स्थापित लोगों की इनकम बांटी जाती है टर्नओवर की बेस पे। तो ये थी दोस्तों हमारी 8 टाइप की इनकम, और इन इनकम को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं बशर्ते आपका नजरिया इस बिजनेस को सकारात्मक रूप से देखने का है। तो अगर आप इस बिजनेस को पॉजिटिव वे से खुल के देखना चाहते हैं, इसके उत्पादों की जानकारी लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं, और बाकी कल पिछले आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपके अब तक के टाइम देने के लिए साहब धन्यवाद। जय हिंद, जय सिखों।